29 नवंबर को होने वाले संसद मार्च को किसानों ने स्थगित कर दिया है। यह फैसला शनिवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया है। किसान नेता दर्शनपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम अगली बैठक 4 दिसंबर को करेंगे। सरकार ने हमसे वादा किया है कि 29 नवंबर को कानून संसद में रद्द होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस समारोह के दौरान न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की वकालत करते हुए कहा कि न्यायपालिका में लैंगिक समानता बनाने की जरूरत है। अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने शपथ ली, इनमें 3 महिला जज शामिल थीं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। बेंगलुरु से पटना जा रही गो फर्स्ट फ्लाइट की नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। फ्लाइट पर 139 यात्री सवार थे। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि तकनीकी कारणों से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एयरपोर्ट के निदेशक आबिद रूही के हवाले से लिखा है, पायलट ने नागपुर एटीसी से संपर्क कर बताया कि विमान के एक इंजन में समस्या आ रही है और उसने नागपुर हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में विमान को उतारने का अनुरोध किया। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में कांग्रेस के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया है। आसिफ ने कल एमसीडी कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ शाहीन बाग थाने में मामला दर्ज कराया गया था। रूस के कैमेरोवो क्षेत्र में गुरुवार को एक कोयला खदान में हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोयला खदान में धुएं से 6 बचावकर्मियों सहित कुल 52 लोगों की मौत हो गई। देश में पिछले 5 साल में सबसे खतरनाक खदान दुर्घटना थी। बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों पेरिस में छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। वेकेशन के दौरान की खूबसूरत तस्वीरें नेहा लगातार अपने फैंस के लिए शेयर कर रही हैं। हाल में नेहा ने पेरिस की सड़कों पर घूमते हुए स्टाइलिश तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो खूब वायरल हो रही हैं। नेहा का कूल और स्टाइलिश अंदाज उनके फैन को खूब भा रहा है। कच्छ की खाड़ी में बीती रात एक बड़ी घटना घट गई। दरअसल यहां 2 पानी के जहाज आपस में टकरा गए। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि बीती रात शुक्रवार को एमवी एविएटर और अटलांटिक ग्रेस जहाजों की आपस में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि यह टक्कर तेल की चिकनाई की वजह से हुई। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि पूरी स्थिति की निगरानी की जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 4 स्थित पंजाब एमएलए हॉस्टल के पास एक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण ईटीटी पास युवक अपनी मांगों को लेकर टावर पर चढ़ गया। जैसे ही लोगों ने उसे देखा तो 112 पर कॉल कर सूचना दी। मौके पर पहुंची सेक्टर 3 थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को भी तत्काल बुलाया। टीचर ने अपने हाथ में एक पेट्रोल की बोतल भी ले रखी है। सेक्टर -11 फायर स्टेशन से गाड़ी मौके पर पहुंची और युवक को उतारने में जुटी है।